13 मार्च 2018 सुबह का वक्त, दिल्ली। पैसेंजर ट्रेन शिवगंगा एक्सप्रेस तेजी से दिल्ली के यमुना ब्रिज और तिलक ब्रिज के बीच ट्रैक पर बढ़ रही थी। ट्रेन में बैठे किसी यात्री को नहीं पता था कि ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ नहीं, मौत की तरफ बढ़ रही है। यमुना ब्रिज और तिलक ब्रिज के बीच रेल ट्रैक पर बड़ी दरार पड़ गई थी। सैकड़ों लोग मौत की तरफ बढ़ रहे थे। दो ट्रैकमैन रोज की तरह सुबह करीब 8 बजे ट्रैक की जांच कर रहे थे, तभी उनकी नजर टूटे रेल ट्रैक की तरफ पड़ी। ठीक उसी वक्त दोनों को ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी। ट्रेन पर सवार लोगों और मौत के बीच का सफर पल पल कम हो रहा था। ट्रेन यमुना ब्रिज पर पहुंच चुकी थी। ट्रैकमैन प्रियस्वामी ने सिर से अपनी लाल रंग की पगड़ी उतारी और तेजी से आती ट्रेन की ओर दौड़ने लगा, ताकि रेल का ड्राइवर खतरे का लाल रंग देखे और ट्रेन रोक ले। लेकिन क्या ट्रैकमैन की जांबाजी हजारों लोगों की जान बचा पाई? या फिर सैकड़ों की जान बचाने की कोशिश में बहादुर प्रियस्वामी और राम निवास को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी? पिछले कुछ वक्त में रेल की टूटी पटरी की वजह से कई हादसे हुए, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान भी गई। दिल्ली के तिलक ब्रिज रेल ट्रैक पर एक और ऐसा हादसा होता अगर दो ट्रैकमैन सुबह के वक्त पटरियों की जांच करने नहीं निकलते। चंद मिनटों की हिम्मत और समझदारी ने हजारों यात्रियों की जान बचा ली। दिल्ली के यमुना ब्रिज और तिलक ब्रिज के बीच रेल ट्रैक की टूटी पटरी देख प्रियस्वामी सामने से आ रही ट्रेन के आगे अपनी लाल रंग की पगड़ी हाथों में लहराते हुए दौड़ पड़े, ताकि रेल का ड्राइवर खतरे का लाल रंग देखे और ट्रेन रुके। रिपोर्ट दी। दिल्ली में दो ट्रैकमैन प्रियस्वामी और राम निवास रोज की तरह यमुना ब्रिज और तिलक ब्रिज के बीच ट्रैक की जांच कर रहे थे, तभी उन्हें पटरियों के एक सेक्शन पर कुछ गैप सा दिखाई दिया। इसी ट्रैक पर तेजी से शिवगंगा एक्सप्रेस आ रही थी। दिल्ली के दो ट्रैकमैन ने अपनी सूझबूझ और समझदारी का परिचय दिया और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। ये हुआ दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पर, जो रेल की पटरी है वहाँ पर। रेल की पटरी जो है वो बीच में से क्रैक थी और दो ट्रैकमैन ने उसे देखा और समय रहते ट्रेन को अलर्ट किया और उसकी वजह से वो ट्रेन रुक गई। ट्रैकमैन के मुताबिक अगर ट्रेन इस टूटे ट्रैक पर से गुजरती तो फौरन ही पटरी से उतर जाती। प्रियस्वामी और राम निवास के पास बहुत कम समय था, क्योंकि ट्रेन का सायरन सुनाई दे रहा था। वाराणसी से आ रही शिवगंगा एक्सप्रेस तिलक ब्रिज पर पहुंचने ही वाली थी। प्रियस्वामी के पास लाल रंग का सिर पर बांधने वाला कपड़ा था, जबकि राम निवास के पास एक घिसा हुआ लाल झंडा था। प्रियस्वामी ने सिर से कपड़ा उतारा और उसे हाथों में लेकर ट्रेन को रुकवाने के लिए ट्रेन की तरफ भागने लगे। रेल टूटी थी यहाँ पे, यहाँ टूटी थी। हाँ। फिर उसके बाद में हमने देखा गाड़ी आ रही थी, हमने झंडे लगा, लाल झंडा लेकर भागे, गाड़ी रोक के फिर दोबारा आके फिर इसको चाबी की वे सब देखे काम करें। जब हमारे अधिकारी के फोन करे थे, अधिकारी का फोन करने के बाद वो लोग आए, आके फिर उनको काट गिर के टुकड़ा डाल के बंधवा के गाड़ी पास करवाए। ऐसे नाजुक वक्त में ट्रेन को सामने देखकर किसी के भी हाथ पांव फूल जाते, लेकिन इन दोनों ने हिम्मत और समझदारी से काम लिया। घटना के बाद ट्रैक की मरम्मत होने में लगभग आधे घंटे का समय लगा।
इस घटना के बाद रेलवे ने इन दोनों ट्रैकमैन को सम्मानित किया और पुरस्कार भी दिया। इन लोगों ने बहुत सूझबूझ और बहादुरी के साथ काम किया, इसके लिए आज इनको बुला के अभी फेलिसिटेट किया गया, सम्मानित किया गया। इनको अभी चेयरमैन साहब के यहाँ भी ले जाके आज सम्मानित किया जाएगा, फिर मंडे को फिर इनको कैश अवार्ड भी दिया जाएगा, मंत्री साहब से भी इनको अवार्ड दिलाया जाएगा। प्रिया स्वामी पहले भी एक बार ट्रेन में दरार का पता लगाकर इनाम जीत चुके हैं। रेलवे का कहना है कि इन दोनों ट्रैकमैन ने अपनी बहादुरी और समझदारी से सबके लिए एक मिसाल पेश की है। अश्विनी कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। जब हौसलों के पंख उड़ान भरते हैं तो कोई भी मुश्किल राह का रोड़ा नहीं बन सकती। कुछ ऐसी ही कहानी है दिल्ली की रहने वाली इंटरनेशनल वेटलिफ्टर भारती प्रभाकर सोनकुवर की, जिन्होंने शारीरिक कमी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। ये है स्पेशल कैटेगरी वेटलिफ्टर भारती प्रभाकर सोनकुवर। चीन में 2010 में हुए एशियन गेम्स में 40 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल और 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुकी भारती दुबई में होने वाली वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेडल हासिल करने की तैयारी कर रही हैं। लंडन ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिताओं में दिव्यांग श्रेणी में हिस्सा ले चुकी भारती कमबैक के लिए पसीना बहा रही हैं। देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ कि अपने देश के लिए कुछ कर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये मेडल पूरी जीत सकूंगी। वेटलिफ्टर भारती के सफर पर उस वक्त ब्रेक लग गया जब 2013 में उनकी शादी हुई, लेकिन वेटलिफ्टिंग से लंबे वक्त तक दूर रहना भारती के लिए मुमकिन नहीं था और उन्होंने वापसी करने की ठान ली। कि मुझे पीछे भी ढकलने की कोशिश की है कि सर जी हमारे थोड़े मुझे सारों ने थोड़ा बहुत ये करा कि नहीं ये लड़की आगे जा रही है इसको कुछ है, सहेलियों ने भी थोड़ा आगे पीछे मेरा बहुत नुकसान किए। वेटलिफ्टिंग में वापसी करने की राह भारती के लिए आसान नहीं है, लेकिन इस मुश्किल राह पर उनके पति उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं।